हेलो स्टूडेंट, आज हम कंपैरिजन ऑफ साइज साइज को कंपैरिजन करेंगे। कोई चीज़ बड़ी होती है, कोई चीज़ छोटी होती है, कुछ हैवी होता है, कुछ लाइट होता है, तो अलग अलग तरह से हम आज साइज को कंपेयर करेंगे। फर्स्ट हमारा है बिगेस्ट एंड स्मॉलेस्ट। बिग मैंने बड़ा एंड स्मॉल मैंने छोटा। तो यहाँ पे देखो बेटा, एनिमल्स आपको दिख रहे हैं, इसमें देखो ये क्या कह रहा है, आई एम बिगेस्ट, मैं बड़ा हूं। इधर से रैबिट कह रहा है आई एम स्मॉलेस्ट, मैं छोटा हूं। तो इसमें हम कंपेयर इनके साइज के अनुसार कर सकते हैं, क्योंकि यहां बैठे हुए एनिमल में से ये सबसे बड़ा है तो ये है बिगेस्ट, और यहां पे रैबिट है सबसे छोटा तो ये है स्मॉलेस्ट। तो ये है हमारा बिग और स्मॉल का कॉन्सेप्ट। आगे देखते हैं, राइट बी फॉर अ बिगेस्ट एंड स्मॉल फॉर स्मॉलेस्ट ऑब्जेक्ट। यहां पे हमारे को तीन चीजें दी गई हैं, जो सबसे बड़ी है उसमें हम बिग लिखेंगे, और जो सबसे छोटी है उसमें लिखेंगे एस। जो बिग है उसमें बी, और जो स्मॉल है उसमें एस। जो बीच वाली चीज है उसको वैसे ही छोड़ेंगे। तो इसमें आप देखें तो सबसे बिगेस्ट है वाटरमेलन, तो इसमें हम लिखेंगे बी। और इसमें सबसे स्मॉल है लेमन, तो इसमें करेंगे हम एस। बिग एंड स्मॉल को कंपेयर किया हमने। इसके बाद देखें, हमारे पास यहाँ पे एक बकेट है, एक कप है और एक मग है। तो सबसे बड़ा जो है उसमें हमने बिग लिखना है, तो वो है बकेट, तो इसमें हम करेंगे बिग। और इसमें सबसे छोटा स्मॉल है हमारा कप, तो इसमें करेंगे एस। तो यहाँ पे हमने कंपेयर किया बिगेस्ट एंड स्मॉलेस्ट को, बड़े और छोटे को साइज लेके। इसके बाद हम आते हैं हैवी एंड लाइट पे। हैवी मैंने भारी, जैसे कि यहाँ पे आपको एक बकेट दिख रही है पानी से फुल भरी हुई, ये है हैवी, भारी। आई एम लाइटेस्ट, मैं हल्का हूं। यहाँ पे आपको खाली गिलास दिख रहा है, वो है बहुत हल्का बाल्टी के कंपैरिजन, और बीच में आपको भरा हुआ गिलास दिख रहा है, ये इन दोनों के मीडियम बीच में आता है, ना भारी ना हल्का। तो इसमें आपको हैवी और लाइट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, क्योंकि बाल्टी है इनसे हैवी, और यहाँ पे जो है पानी जो जिसमें गिलास रखा हुआ है वो है उससे लाइट, तो ये हैवी लाइट। राइट एच फॉर हैवी एंड लाइट एल फॉर लाइट। यहाँ पे आपको तीन चीजें दी गई हैं, जो सबसे हैवी है उसमें लिखेंगे हम एच, और जो सबसे लाइट है उसमें लिखेंगे एल। तो सॉक्स, चेयर और सैंडल, तो सबसे हैवी है चेयर, तो यहां लिखेंगे एच, और इन दोनों में सबसे लाइट है सॉक्स, तो यहां लिखेंगे एल। इसके बाद मैच द हैवीएस्ट थिंग्स विद द लाइट इन पेयरिंग ऑब्जेक्ट। इन्होंने कहा है कि हैवी और लाइट का एक पेयर बनाओ। जो यहाँ ऑब्जेक्ट दिए गए हैं, जैसे कि वाटरमेलन है हैवी, और वाटरमेलन का पेयर बनेगा ऑरेंज से, क्योंकि दोनों ही फ्रूट है, तो हैवी लाइट। यहां पे आपको दिख रही है साइकिल और कार, तो कार है हैवी, साइकिल है लाइट। यहां पे आपको दिख रही है बकेट फुल ऑफ वाटर, ये है हैवी, और यहां पे है एक मग जो है लाइट। तो हमने क्या किया, हैवी और लाइट का एक पेयरिंग ऑब्जेक्ट बनाया, हमने इनको पेयर के अनुसार किया, हैवी लाइट, हैवी लाइट, हैवी लाइट। तो यहां हमने कॉन्सेप्ट क्लियर किया अपना हैवीएस्ट एंड लाइटेस्ट, भारी और हल्के का। इसके बाद हम आते हैं अपने एक और पे, वो है हमारा थिकेस्ट एंड थीनेस्ट। थिकेस्ट बेटा होता है मोटा, और थीनेस्ट मैंने होता है पतला। यहां पे देखे बुक, दिस इज द थिकेस्ट बुक, मैं मोटी किताब हूं, दिस इज अ थीनेस्ट बुक, ये एक पतली किताब है। तो यहां पे इसको मोटी किताब दिखाया गया है, दिस इज अ थिकेस्ट, ये मोटी किताब है, दिस इज अ थीनेस्ट बुक, ये पतली किताब है, और ये बीच में कंपेयर है इनके, ना मोटी ना पतली। तो जो चीज मोटी होती है उसे हम थिकेस्ट कहते हैं, जो पतली होते उसे हम थीनेस्ट कहते हैं। टिक द थिकेस्ट एंड क्रॉस द थीनेस्ट वन। जो यहां आपको दिख रही हैं तीन चीजें, जो जब से ज्यादा थिकेस्ट है उस पर हम टिक लगाएंगे, जो थिन है उस पर हम क्रॉस लगाएंगे। तो सबसे थिक है यहां पे, और इसको हम करेंगे टिक, और सबसे थिन है ये मैट, इसको हम करेंगे क्रॉस। कलर द थिकेस्ट पिंक एंड थिनेस्ट येलो।
जो जो चीज ज्यादा मोटी है उस पे हम करेंगे पिंक कलर, तो पिंक कलर करेंगे सबसे मोटी वाली पे जो कि है ये, इसमें हम करेंगे फिल पिंक कलर, ये देखिए। और इन्होंने कहा है कि इसमें पिंक कलर, और जो सबसे पतली है थीनेस्ट है उसमें करेंगे येलो, और सबसे पतली है ये, इसमें हम करने वाले हैं येलो कलर। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर करता है हमारा थिकेस्ट और थीनेस्ट को, मोटाई और पतलापन दिखाने के लिए। थिक मैंने होता है मोटा और थीनेस्ट मैंने होता है पतला। तो एक कॉन्सेप्ट हम लेके चलते हैं टोलेस्ट एंड शॉर्टेस्ट का। टोल मैंने लंबा, शॉर्ट मैंने छोटा। यहाँ पे जिराफ है जो कह रहा है आई एम टोलेस्ट, मैं लंबा हूं, और यहाँ पे गोट है जो कह रही है आई एम शॉर्टेस्ट, मैं छोटी हूं। यहाँ पे हाइट को देखें, यहाँ जिराफ की कितनी लंबी हाइट है तो वो है टोल, यहाँ है गोट छोटी वो है शॉर्ट। तो राइट टी फॉर टोलेस्ट एंड एस फॉर शॉर्टेस्ट, जो टोल है उसमें लिखेंगे हम टी और जो शॉर्ट है उसमें लिखेंगे एस। तो यहाँ पे है सबसे लॉन्ग ट्री ये, तो इसमें लिखेंगे टी टोलेस्ट, और सबसे स्मॉल ये प्लांट है तो यहाँ लिखेंगे एस फॉर स्मॉलेस्ट। कलर द टोलेस्ट ग्रीन एंड शॉर्टेस्ट ब्राउन, जो यहाँ पे टोल है उसमें करना है ग्रीन कलर और शॉर्ट में ब्राउन। तो टोल है ये बिल्डिंग, तो इसमें हम करने वाले हैं ग्रीन कलर, तो हम ग्रीन कलर लेते हैं। हम करेंगे इस टोलेस्ट बिल्डिंग में अपना फिल ग्रीन कलर, आप इजीली अच्छे से कर सकते हैं, तो मैं आपको बता रही हूँ ये हमने ग्रीन कलर इसमें फिल किया। एंड द शॉर्टेस्ट ब्राउन, और जो शॉर्ट है इनमें सबसे शॉर्ट है ये, और इसमें हम करेंगे ब्राउन कलर, ये है हमारा ब्राउन कलर, तो हम ब्राउन कलर लेते हैं और इसमें करते हैं फिल। तो इसमें हमें क्या दिखा, इसमें हमने जाना टोलेस्ट एंड शॉर्टेस्ट के बारे में। टोल मैंने लंबा और शॉर्ट मैंने छोटा। तो एक और कॉन्सेप्ट लेते हैं हम लॉन्गेस्ट एंड शॉर्टेस्ट का। लॉन्ग मैंने लंबा, एंड शॉर्टेस्ट और शॉर्टेस्ट होता है छोटा, जैसे कि स्नेक जो लेंथ में लंबाई में है लंबा, और फ्रॉग जो कि इन सब में है शॉर्ट छोटा। तो ये है हमारा लॉन्ग और यहाँ आया हमारा शॉर्ट। जैसे यहाँ पे लॉग दिया गया है कितना लंबा है, ये है लॉन्ग, लेकिन सबसे छोट इसमें क्या है, ये रेजर बीच में रखा हुआ। यहाँ मीडिएटर भी लॉन्ग है, ये कम है उससे लंबा, तो यहाँ इसको लॉन्गेस्ट काउंट करेंगे, ये हमारा शॉर्टेस्ट आएगा। तो हमने करना है राइट एल फॉर लॉन्गेस्ट, तो लॉन्गेस्ट हमारा ये है तो एल, एंड एस फॉर शॉर्टेस्ट, तो हमारा शॉर्टेस्ट आ रहा है ये, इस पे करेंगे हम एस। तो ये लॉन्ग और शॉर्ट हुआ। कलर द लॉन्गेस्ट ब्राउन एंड शॉर्टेस्ट ग्रीन, जो चीज लॉन्ग दिख रही है उसमें करेंगे हम ब्राउन कलर। फिर से उठाते हैं हम ब्राउन कलर, और सबसे लॉन्ग पेंसिल हमें ये दिख रही है, तो इसमें हम करेंगे अपना ब्राउन कलर। देन शॉर्टेस्ट ग्रीन, जो सबसे शॉर्ट दिख रही है उसमें हम करेंगे ग्रीन कलर, ये है हमारी शॉर्ट। ये हमारा लेंथ के अनुसार हमने इसमें कंपेरिजन किया है लॉन्ग और शॉर्ट का। तो आज हमने क्या जाना इसमें लॉन्गेस्ट और शॉर्टेस्ट के बारे में। तो एक बार हम फिर से देखते हैं हमारे कंपैरिजन, बिग एंड स्मॉल, बड़ा और छोटा, टोलेस्ट एंड शॉर्टेस्ट, लंबा और छोटा, लॉन्गेस्ट एंड शॉर्टेस्ट, लंबा और छोटा, जो कि लंबाई में हम इसको एस लेंथ में गिनते हैं लॉन्गेस्ट को लेके, और हैवी एंड लाइट के बारे में, भारी और हल्के के बारे में। देन थिकेस्ट एंड थीनेस्ट, मोटाई और पतलापन जिसे कहते हैं, थिकेस्ट मैंने मोटा और थीनेस्ट मैंने पतला। तो आज हमने इन सब का किया कंपेयर, जिसमें हम अपोजिट को लेते हुए हमने साइज के साथ कंपेयर किया।